says the man of the badge who is the nodal officer. May I request Dr. बहुत ही अद्भुत आज जम्मू के चेहरे पे एक मुस्कान है, उल्लास है। मैं रील बनाऊं लेफ्ट साइड पे घुमाएं और सांस अंदर लेते हुए पूर्व अवस्था में लौट आए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। अब चतुर्थ चरण में हम नेक रोटेट क्लॉकवाइज घुमाएं और वापस पूरी घुमाएं, फिर गर्दन को वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। चरण में गर्दन को आगे और पीछे झुकाएंगे, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति में यह अभ्यास ना करें। सम स्थिति में खड़े रहें, पैरों के बीच दो से, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स इस क्रिया को ध्यान से करें। प्रथम चरण में सम स्थिति में रहें, हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो, बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। यह एक चक्र था योगा। अब धीरे धीरे बाजुओं को वापस पूर्व स्थिति में ले आएं। यह क्रिया गर्दन और शोल्डर की मांसपेशियों को स्वस्थ रखती है। अभी पूरे देश में जो है कि योगा की प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि योगा की जो प्रैक्टिस की जाए, योगा को हम अपनी लाइफ में लाएं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहने से एक अच्छे नागरिक बन पाएं, जिससे कि लोगों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे देश को। तो आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आज आपने योगा किया है? तो योगा है ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मन की शांति भी होती है। एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज अच्छी है, जिससे योगा को डेली में किया जाए तो तन और मन की दोनों की शांति। योग परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लगा और जैसे मन प्रसन्नचित भी काफ़ी है आज, और जैसे हमने योग के मुख्तलिफ पोजेस किए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सबके लिए क्या कहना चाहेंगे, आज आपको कैसे शांति का अनुभूति हो रही है? इसमें योग से आपका मन प्रसन्नचित रहता है और आप एकाग्रचित भी रह पाते हैं अपने कार्य में। अगर हम योग को रेगुलरली करें तो अपने कार्य में भी हम लोग अपनी वृद्धि कर सकते हैं।